हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी कुशलपूर्वक और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ जिससे आप अपने जीवन के सारे दुखों का अंत कर सकते हैं और अपना आने वाला जीवन और भी बेहतर बना सकते हैं। बुद्ध को जब निर्वाण प्राप्त हुआ और निर्वाण प्राप्त होने के बाद बुद्ध ने जो पहले शब्द कहे थे, वो उन्होंने जो कहा था वो जानने योग्य है, क्योंकि वो जानने से हम अपने दुख चक्र से बाहर निकल सकते हैं और मुक्ति का मार्ग पा सकते हैं। तो बुद्ध ने जो पहले शब्द कहे थे बोधि प्राप्त करने के बाद, वो थे अनेक जाति संसारम सत्था विषम निबिषम गहकारकम गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनम गहकारा का दितोसी पुनागे हम ना का हसी सब बाते फासुका भग्गा गाहा कूटम विसखितम विसंखारा गातम सित्तम तनहानम खाया मजहागा। तो दोस्तों, बुद्ध ने जो ये बात बोली उसका जो मीनिंग है, बुद्ध ने तो पाली में बोली लेकिन मैं उसका हिंदी मीनिंग आपको बता रहा हूँ जो बहुत ही जानने योग्य है। बुद्ध ने कहा, मैंने इस संसार में अनेक बार जन्म लिया और बिना कुछ प्राप्त किए यूं ही दौड़ता रहा, घर बनाने वाले की खोज करते हुए बार बार दुख में जीवन जन्म लेता रहा। हे घर बनाने वाले, अब तो देख लिया गया है, अब तो फिर से मेरे लिए घर नहीं बना सकेगा, क्योंकि तेरी सारी कड़ियाँ टूट गई हैं और घर का कूटस्थ स्तंभ भी टूट चुका है। नए जन्म देने वाले सभी संस्कारों से मेरा चित्त पूरी तरह रिक्त हो चुका है और मुझे ऐसी अवस्था प्राप्त हो गई है जहाँ सारी तृष्णाओं का क्षय हो गया है। तो दोस्तों, हमें भी उस घर बनाने वालों को देखना चाहिए, वो कौन है जो बार बार हमारे मन में घर बना रहा है। उस घर से हमें जन्म से जन्म मिलते जा रहे हैं और हम दुख में चक्र में बनते जा रहे हैं। हमें भी उस घर बनाने वाले की खोज करनी होगी जैसे गौतम बुद्ध ने की, जो हमारा नए नए विचारों, संस्कारों, इच्छाओं में हमें दौड़ाए जा रहा है और जिसका अंतहीन है, कोई अंत ही नहीं है। और उस दौड़ में हमें क्या मिल रहा है? सिर्फ दुख मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमें उस घर बनाने वाले की खोज करनी होगी, हमें भी स्वयं अपने अंदर जाना होगा, उस घर बनाने वाले की खोज कर उसे हटाना होगा और फिर हमें भी निर्वाण प्राप्त होगा और हम दुख चक्र से बाहर निकल मुक्ति का आनंद ले सकेंगे। आप सभी का मंगल हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो।